ठीक है, हमने फॉर्म स्क्रीन पर कर हाँ दिया, फेस रिसेप्शन कर लिया, ये सब तो आपको क्लियर होगा, फॉन्ट कलरिंग वगैरह, ये अलाइनमेंट है, राइट यस रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज सेंटर हो गया, हाँ ये है हमारा। ओके फॉर्मेट इसमें ऑफ भी द सेट इसका मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ कुछ, हमारे हाँ नंबर श्योर फॉर्मेट्स हैं कुछ, करेक्ट इसमें आप क्लिक करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चीज को। हाँ सपोज यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया नंबर, एक सेकेंड, हाँ ये एक नंबर है, ठीक है, हाँ ये नंबर जो है, एक तो हर नंबर का जो है एक डेट फॉर्मेट होता है, ठीक है, करेक्ट हम उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डेट फॉर्मेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट है, सपोज कंट्रोल शिफ्ट करके, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे आप तो कंट्रोल शिफ्ट ओके वन करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में आएगा, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट टू दबाएंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, ओके कंट्रोल शिफ्ट थ्री दबाएंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आएगा, कंट्रोल शिफ्ट फोर ओके दबाएंगे तो ये डॉलर साइन में आएगा, तो ऐसे आप शॉर्टकट दबा ये के देख लेना। इंटरेस्टिंग है हाँ ये मुझे नहीं पता हाँ था तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, सपोज आपके पास जब फॉर्मेटिंग करते हो तो आपके पास डेट्स आ जाती है कुछ इस टाइप की। सपोज इस टाइप की डेट आ जाती है, आती है ना, इसमें सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट थ्री दबाना है, डेट फॉर्मेट अपना ले लेगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या, ये हो क्या गया है, ठीक है, इसका बस फॉर्मेट चेंज होता है, और आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एफ वन, सॉरी वन ओनली, ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके और कुछ इसके अंदर पर परसेंटेज के उसमें भी लिए भी नंबर्स में भी आप जो बोल रहे हो उसमें भी डेट फॉर्मेट में भी टाइप तो फॉर्मेट्स है तो उनको कैसे करते हैं फिर देखो, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डेट लिख जैसे आपने दी, अभी पहले दिखाया था ठीक है वो आया था डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में एंड देन इट शोड ऑल्सो सो आई वॉन्ट ओनली नंबर्स आई डू नॉट वॉन्ट एनी अल्फाबेट्स सो इट शुड शो मे बी डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके उसको दो तरीके शॉर्टकट से हैं, कैसे करोगे हाँ एक तो है हमारा फंक्शन का शॉर्टकट, टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं हम, एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ अच्छा एक और, ठीक है, आप शॉर्टकट थोड़ा लिखते रहना कॉपी पे, भूल जाओगे हाँ वरना, हाँ मैं वो लिखने में साथ साथ लिख रही हूँ ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं पहले डेट लिख देता हूँ 44 जैसे, इसको जब आप कंट्रोल वन दबाते हो, कंट्रोल वन तो ये फॉर्मेट मिलता है इस तरीके का, ठीक है, कंट्रोल वन है कंट्रोल शिफ्ट वन अच्छा ये कंट्रोल कंट्रोल वन वन, ठीक सिंपली है कंट्रोल वन, यहाँ पे कुछ डेट के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ करेक्ट पे आप कोई सा भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो दुनिया भर के फॉर्मेट्स हाँ हैं, हाँ ठीक है, तो मतलब और उसका आप एक शॉर्टकट नहीं है पर उसका ये मतलब शॉर्टकट तो वही है, बस डेट सीधा फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड है वही आएगा, बाकी अपना बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई सा ले सकते हो, आप अच्छा कस्टमाइज भी कर सकते हो इसको, कस्टमाइज का भी ऑप्शन है, हाँ एम एम हाँ डी डी वो वाई फाई आई जिस भी फॉर्मेट नो में आप चाहते हो आप उसको कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा है इसका टेक्स्ट का फंक्शन, दिखाता हूँ आपको, ये डेट फॉर्मेट है, टेक्स्ट हाँ इसमें से लिया हमने ब्रैकेट में राइट एंड फिर फॉर्मेट में डाल दो एम 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 डी 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 वाई फॉर्मेट, वाई या डी डी एम एम वाई वाई में जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए ये मिलेगा, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, ये अच्छा स्लैश नहीं ठीक है, डाला आपने हाँ, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना है, जो भी फॉर्मेट आपको बनाना है यहाँ पे स्लैश डाल वो देता हूँ, स्लैश डालोगे तो आ जाएगा ठीक है, आ गया वो एक तो फंक्शन ही हम टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, दूसरा हम कंट्रोल बंद करके कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से करते हैं, ओके, देयर इज अ डेटा, यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, आपको पता होगा वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ हाँ आइडिया है, यस ठीक है, एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, लॉगिन आवर्स है, क्वालिटी है, ठीक है, राइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं आपको पता ही है, मुझे डेटा एक को जो है, सेकंड दे सकती हो गगन एक हाँ सेकंड जी दे दो बिल्कुल मेरे को थैंक बिल्कुल लीजिए मैडम, यू
I would come as a more knowledgeable person compared to other people who may come to you. ठीक है, मतलब मेरे को क्योंकि मैंने गुड 2-2.5 साल काम किया है एक्सेल पे, तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको और पता भी नहीं होगा, आप गूगल पे देख के सीख लोगे, करेक्ट? तो वो वैसे वाली सिखाई है मेरी। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें यूज में नहीं आती है, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग का है, इतनी जैसे यूनिक फॉर्मेट है, ये इस तरह की चीजें कभी इस्तेमाल जिंदगी में आएंगी नहीं आपके साथ, क्योंकि मोस्टली जो यूज होता है यही यूज होता है that contain or bottom line values. अगर किसी को आप करना चाहते कर सकते हो, लेकिन आपको याद रहेंगी भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा उसको उसके भूल जाओगे, क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आएंगी। अच्छा, ओके ओके, दिस इज बिलो एवरेज और अबव एवरेज, जो मतलब ये थोड़ा सा देन की कितना वैल्यू, सॉरी, उसमें आप वैल्यू डाल सकते हो कि एवरेज और बिलो, और उसमें अगर आप सिलेक्ट करते हो format values when that are above, उसमें drop down था ना, ये थोड़ा सा जो है ये average के लिए है, equal और above, ठीक है, equal और below, ये उतना की average निकाल लेगा। हाँ, आप उस पे किसी पे click करो, आपको average डालने देता है क्या? average हमें कैसे पूरी figures की? अच्छा, average हम कैसे डाल सकते हैं? वो तो अपने आप जो हम range select करेंगे उसकी automatically average backend में निकालेगा। समझ रहा? अच्छा, ओके ओके, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, सपोज फिल कर दिया मैंने, ये वाला कर दिया, तो ये एवरेज अपने आप निकाल लेगा बैक एंड पे। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ये अपने कर दिया, जो भी एवरेज होगी इसकी, सपोज एवरेज क्या है मैं वैसे लिख लेता हूँ, पूरे सेल की एक एवरेज आ रही है 98.9, ठीक है, तो इससे बिलो का जितना होगा वो ले लेगा अपने आप। हाँ, समझ गए, ओके, दैट इज व्हाट इट डज। तो फिर आगे बढ़े या इसको और करें? इसमें न्यू रूल और क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी न्यू रूल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। How do you use formula to determine which cells to format? मुझे वो नहीं आता। Last one option। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा confused हूँ, मैं काफी time हो गया मुझे use करे। थोड़ा सा आपको दिक्कत। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, then we can move ahead. जैसे मैंने बताया कि मेरे भी इस्तेमाल में नहीं आती है चीजें कोई। ठीक है, it is fine, we can move ahead. ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, फॉर्मेट है स्टेबल, इसका क्लियर है आपको? सिंपल सा बंदा है, कंट्रोल टी एंटर। हाँ, वो मुझे पता है, पर उसमें पता है मेरे दिक्कत होती इसकी है, अगर मैं फॉर्मेट है स्टेबल यूज करती हूँ और मैंने किसी एक सेल में फॉर्मूला डाल दिया ना, वो पूरा कॉलम ऑटोफिल कर देता है। तो इसका बेनिफिट मैम यही है, क्योंकि हम टेबल यूज इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना ग्रुप में बना दे डेटा को, हम इसके अंदर कुछ भी फंक्शन डालेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो ले लेगा। सपोज इसके अंदर मैं कुछ नीचे डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका बेनिफिट ही है, वो नीचे से अपने आप ले लेता है। सपोज मैं किसी डेटा के ऊपर प्राइवेट टेबल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट टेबल वो डेटा कैश तो कर लेगा, लेकिन जब उसके नीचे मैं और डेटा डालूंगा तो वो उसकी रेंज कम रह जाएगी, फिर जाके उसमें डेटा वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, रेंज अपडेट करनी पड़ेगी, रेंज अपडेट करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप सपोज आपने टेबल ही बना रखा है तो आपको बस नीचे वैल्यूज डालने, वो अपने आप कैश कर लेगा, अपना प्राइवेट रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, समझ गए, तो इसका बेनिफिट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ करना चाहते हो, बार बार आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, आपने ड्रैग कर दो, आप सिंपल एक बार फॉर्मूला लगाओ, अपने आप नीचे तक खींच लेगा उसको, तो इससे एडवांटेज। और अगर आप ये चीज नहीं चाहते हो तो आप इसको सिंपली यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हो। कहाँ पे? टेबल कन्वर्ट टू रेंज, ये नॉर्मल टेबल बन जाएगा, अब ये नॉर्मल टेबल है, अब ये ड्रैग नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, और टेबल का हमेशा साइन होता है, ये कि टेबल है, ये देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा ये बना हुआ है। हाँ 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 हाँ, ये टेबल का साइन है, इसका मतलब है सारा राइट हैंड कॉर्नर में एक डॉट सी है। हाँ, एक डॉट सा है, मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ इसको, ये देखिए, तो ये थोड़ा उसका साइन है टेबल का। ओके, ये डेटा जो है एक साथ पैक्ड है। अच्छा, this I didn't know, this section I don't know. Okay, cell type, सिर्फ अपनी जरूरत भी नहीं है, अपने मतलब सिल को जो है हम कुछ भी फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, कुछ भी, मतलब
तो इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग अगर आप करके, अगर आपको मैंने की फॉर्मेटिंग नहीं करनी है तो प्री सिलेक्टेड स्टाइल सिलेक्ट कर लो आप। हाँ जितने पहले से बने हुए उसमें से सिलेक्ट कर लो कोई, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा एक इन गिव मी वन मोमेंट, होल्ड ऑन वन वन सेकंड वन सेकंड। हाँ जी गुरु, हेलो। हाँ जी हाँ जी, गुरु, सो नेक्स्ट इज इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, देखो इसको बताने की बजाय आपको शॉर्टकट बता देता हूँ उसको, सिंपल से, ठीक ओके। है। मैं इसको डिलीट में कर देता हूँ। आपको अगर रो इंसर्ट करनी है इसके अंदर तो शिफ्ट स्पेस करके मैंने बताया था आपको, रो सेलेक्ट करके, ठीक है, हाँ, उसके बाद कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो ये रो एंटर हो जाती है। मैं एक्चुअली कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो सॉरी लैपटॉप का कीबोर्ड, तो इसमें ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आपने सिस्टम खुला हुआ है तो आप कर सकते हो उसको, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, ये तो एंड एक जो रो, लैपटॉप के कीबोर्ड से नहीं होता है ये। पता नहीं मैम मेरा तो नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन ये वर्क करता है ऐसे ही। जो मैंने कुछ यूज तो किया है इसको, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस कह रहे हो ना? हाँ हाँ मुझे पता है, आई थिंक ये, हाँ ये काम करता है तो बोर्ड देखो में। कर रहा है, ये कर रहा है कंट्रोल प्लस ऐड हो रहा है। हाँ, अब मैं इसको कंट्रोल तो माइनस करूंगा तो अगर ये अच्छा चला भी जाएगा। तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैं इसको अगर कंट्रोल स्पेस करके कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो ये साइड में ऐड भी कर देगा और ये माइनस भी कर देगा, ठीक है। अच्छा तो इंसर्ट के अंदर ये चार चीज़ें ही थी, एक तो इसके अंदर ऐड करो या माइनस करो, कॉलम के अंदर ऐड करो माइनस करो, ठीक है। एक चीज़ इसकी और मैं बताता हूँ, यहाँ से सपोज मैंने, एक सेकंड, मैं यहाँ से कुछ लिख रहा था, ठीक है, तो मैंने एक स्पेस नीचे स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, गलती से। मैं कीबोर्ड पर टाइप करके कर रहा था, ऊपर देखा नहीं, नीचे से स्लिप हो गया। तो हम हाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करा और ऊपर जाके पेस्ट कर दिया, ऐसे करते हैं। करेक्ट। हाँ इसके लिए भी एक है, कंट्रोल माइनस जब दबाते हैं तो ये आता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। शिफ्ट सेल्स आप पे जाके ओके करोगे आपने तो इसके अभी ऊपर मिलेगा। मतलब सिर्फ अगर आप सिर्फ एक सिंगल सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करोगे तो फिर वो बॉक्स आता है, ये कह रहे हो? हाँ ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस से कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट से सारे, तो ठीक है। इनसाइड के अंदर इतना यही है बस, और कुछ नहीं है, और डिलीट भी वैसे ही काम करता है। सेम चीज है। आपने बताई थी मैंने आपको हाँ शॉर्टकट सारे। फॉर्मेट एज टेबल, देखिए इसके अंदर एक तो है रो हाइट, रो ऑटो फिट, रो हाइट, मैंने आपको जो शॉर्टकट्स बताए थे शुरू में मोस्टली सारे हाँ वही है, हाँ रो ऑटो फिट और कॉलम ऑटो फिट, ठीक है। एक है इसका अच्छा हाइट अनहाइट का ऑप्शन, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जो याद होने चाहिए, ठीक है। ओके। एक तो है इसका, देखिए कंट्रोल इसका करके मैंने इसको सेलेक्ट करा पूरा, एक तो हाँ इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जीरो दबा दो तो ये हाइड कर देगा, ओके। ठीक है। तो दूसरा, या फिर एक कीबोर्ड के अंदर राइट क्लिक का ऑप्शन होता है राइट कंट्रोल राइट को, क्लिक करके आप हाइड कर दो उसको, हाँ यहाँ से क्लिक करके हाइड हाइड, कर दो। मैं इसको हाँ यूज करता हूँ
शॉर्टकट को, क्योंकि मेरा हाथ इसी तरीके से चलता है। ठीक है, आप चाहो तो कंट्रोल जीरो भी कर सकते हो, तो उससे भी हाइट हो जाएगा। अच्छा, मतलब कह रहे हो लैपटॉप में कीबोर्ड पे वो जो राइट क्लिक वाला जो एक ऑप्शन होता है उसको यूज करते हो आप? हाँ, मैं इस पर करता हूँ, वैसे ये ठीक नहीं है लेकिन मेरा हाथ इस पर चलता है तो इसको इसलिए करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो कंट्रोल जीरो के अंदर डालो, कंट्रोल जीरो से हाइट हो जाता है। अच्छा, और उसको अनहाइड करने के लिए? उसको अनहाइड करने के लिए वही अनहाइड यहाँ से करता हूँ मैं, बाकी शॉर्टकट इसका शायद कंट्रोल 9 होता है, देखना पड़ेगा। अच्छा। एक सेकंड, मैंने इसको कर दिया हाइड। ऐसे ही होता है, ठीक है, सपोज मैंने इसको कर दिया हाइड यहाँ से, यहाँ से दोनों कॉलम को सिलेक्ट करा क्योंकि दोनों के बीच में वो है। शॉर्टकट में तो याद नहीं आ रहा है, कुछ कंट्रोल 9 था या फिर कुछ था ऐसा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सॉल्व कर लूंगा। आप राइट क्लिक से यूज कर सकते हो उसको। और उसके बाद फोटो सम, आपको सिर्फ यहाँ पर आके ऑल्ट प्लस माइनस का एक ऑप्शन होता है, प्लस और इक्वल टू ऊपर बैक स्पेस के बराबर में दिखा आपको? क्या? नहीं नहीं समझ में आया। ऑल्ट के बाद ऑल्ट और ये बैक स्पेस का बटन होता है ना, उससे पहले प्लस और इक्वल टू को की है। हाँ, दोनों को एक साथ दबाओ, ऑल्ट प्लस। ऑल्ट प्लस वो सिर्फ प्लस सिंबल? हाँ हाँ ठीक है, समोरा। तो ये शॉर्टकट है बजाय इसके कि आप यहाँ पे इक्वल टू सम करो फिर इसके रेंज सेलेक्ट करो। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा टाइम पर भी बचा, पर जल्दी से अगर कुछ करना है तो सिंपल ऑल्ट प्लस एंटर सिंबल ले लेगा, तो बाकी इसको ड्रैग करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, हमारा ऑटो सम हो गया। ऑटो फिल, फिल का तो आपको बताया मैंने, कंट्रोल डाउन। हाँ, कंट्रोल डाउन पे राइट, कंट्रोल डाउन से ये पूरा हमारा हो जाता है। बस इसी से होता है। अगर आप उसको, there is another way I have learned, I'm not sure if you know it, उसको कॉपी करके ना उतना रेंज सेलेक्ट करके एंटर भी करोगे ना तब भी वो पेस्ट कर देता है। हाँ, वो वैसा भी कर देगा। हाँ, पता है मुझे इसका, हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो बेटर भी यही है कि इसको कंट्रोल डी करो, वो सीधे ड्रैग कर ही लेता है, बजाय इसको कॉपी करो फिर पेस्ट करो, टाइम कंज्यूमिंग। फिल हो गया, क्लियर। अच्छा, क्लियर कमेंट्स यहाँ, कंटेंट्स यहाँ से होता है। ठीक है, इसके दो शॉर्टकट बताऊंगा आपको बस, ठीक है, पर वो दो ही होंगे। मैंने आपको डेटा दिया था ये वाला, सपोज यहाँ पे मैंने डेटा क्रिएट कर देता हूँ। मैडम शॉर्टकट लिखते रहना, भूल जाओगे ना? नहीं नहीं मैं साथ साथ लिख रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी कलरिंग कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने फॉन्ट कर दिया। अब मैं इसमें से चाहता हूँ सिर्फ मुझे इसकी फॉर्मेटिंग गायब करनी है और कुछ नहीं करना। कर सकते आप? लेकिन इस कंडीशन में है इसका कलर वाइट। दो तीन चीजें करनी पड़ेगी माउस से। हाँ, लेकिन इसको कलर आप वाइट नहीं कर सकते। कलर को मैं हाइड कर देती हूँ, मैं जाके कलर को वाइट, हाँ वाइट नहीं कर सकते आप? वाइट नहीं, नो फिल कर दूंगी। नो फिल कर दोगे? हाँ, नो फिल कर दूंगी और इसको मैं फॉन्ट को वापस ब्लैक कर दूंगी। मैं तो यही करूंगी। वैल्यूज और क्या कहते हैं फॉन्ट, सॉरी वैल्यूज एंड फॉर्मेटिंग दोनों ही हटानी है आपको, फिर क्या करोगे? मैं फॉर्मेटिंग कंडीशन, फॉर्मेटिंग सॉरी क्या क्या वाली और फॉन्ट हटानी है दोनों, सब कुछ ही हटाना है आपको। डिलीट करूंगी ना, नहीं होगा डिलीट करके देखो, नहीं होगा डिलीट। देखो मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया, लेकिन कलर तो भी रह गया यहाँ पे। हाँ, तो उसको तो फिर मैं जाके मॉफिल करूंगी ना, तो इतने सारे स्टेप करोगे आप? हाँ, तो मतलब टू टू स्टेप प्रोसेस बेसिकली। आई नो, सो से शॉर्टकट बता दो। तो मैं एक ही बता देता हूँ, ऑल्ट प्लस EAF, ये है फॉर्मेटिंग के लिए। अच्छा, प्लस EAF किसी फॉर्मेटिंग हटाएगा। ठीक है, एक है ऑल्ट प्लस EAA,
ठीक है। ई ए एफ से क्या होता है और ई ए से क्या होता है? दिखाता हूँ, अभी करता हूँ, ठीक देखो है। ऑल्ट, इसके जो मैंने शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये सेम चीज है ऑल्ट, तो बाकी आप फंक्शन यहाँ से देख सकते हो, यहीं पे आके निकलेंगे वो, आप बना सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप ऑल्ट ई ए एफ, इसमें से फॉर्मेट गायब, देख रहे हो आप? हाँ हाँ अब मुझे चाहिए पूरा सब कुछ ही गायब कर दूँ, ऑल्ट ई ए सारे गायब। हाँ ये तो सही है। समझ गए, तो बस ये दो चीजें इम्पोर्टेंट, ये याद कर लेना, ठीक ये है? काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये क्लियर के अंदर आता है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं है, हाइपरलिंक वगैरह इतने यूज नहीं होते क्लियर करने के लिए, सेम चीज इस्तेमाल होगी अगर करना चाहो तो। ठीक है, सॉर्ट